दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर क्राइम रैकेट का खुलासा किया है जिसके तार चीन से जुड़े हुए हैं। इस रैकेट का मास्टरमाइंड चीन में बैठकर भारत में साइबर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने बताया कि रैकेट के एक सदस्य ने बैंक खाते में 2 दिनों में 1.25 करोड़ रुपए जमा हुए थे। पुलिस ने 31.55 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके चीन से संबंध होने का संदेह है। गिरफ्तार आरोपियों में देव भाटी, रॉबिन सोलंकी, विष्णु सोलंकी और आकाश कुमार जैन शामिल है। उनसे पूछताछ जारी है ताकि रैकेट के पूरे नेटवर्क का पता चल सके। DCP एम हर्षवर्धन ने बताया कि 18 जुलाई 2024 को दिल्ली पुलिस को एक ऑनलाइन शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 13 जुलाई को उसे एक कॉल आई थी जिसमें कहा गया था कि उसके नाम से जारी एक मोबाइल सिम का इस्तेमाल कई अपराधों में किया गया है। फोन करने वालों ने धमकी दी कि लखनऊ की आराम बाग पुलिस उसकी तलाश कर रही है और उसके खिलाफ 17 FIR दर्ज है। आरोपियों ने पीड़ित को धमकी देकर उससे 31.55 लाख रुपए ठग लिए। यह मामला साइबर क्राइम के प्रति जनता को जागरूक करने की आवश्यकता को दर्शाता है ताकि लोग ऐसे धोखाधड़ी के जाल में न फंसे।